रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित सागर मैरिज होम में वार शनिवार की शाम करीब 4 बजे स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक रामगढ़ का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रताप सिंह ने कांग्रेस सरकार के बारे में बताया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार से आमजन परेशान हो गया था। आमजन ने एकजुट होकर कांग्रेस के हाथ में फैसला दिया और राजस्थान में सरकार बनाई। भाजपा सरकार ने गरीबों, मजदूर व आमजन के साथ विश्वासघात किया है। अपने उद्बोधन में उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र से प्रत्याशी साफिया जुबेर खान के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष विपिन मेहंदी रत्ता सहित किशन कुमार, तेज सिंह चौधरी, चरण सिंह, राहुल चौधरी, राजेश इत्यादि मौजूद थे। सर, आप इस क्षेत्र में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में जो प्रचार चल रहा है? ये मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की जनता ने तो पहले फैसला सुना दिया और उस फैसले में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। बड़े विश्वास के साथ राजस्थान की माँ, बहन, बेटी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। स्कूल शिक्षा परिवार का कार्यक्रम है, जो सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूलों में जो भेदभाव करते हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। सरकार से हमारी मांग है कि जो भेदभाव है वो ख़त्म कर दिया जाए, बच्चों को भी सरकारी जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा मिले प्राइवेट स्कूलों का। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा वो तो बच्चा ही है, उनका अधिकार बराबर है। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वो मिलनी चाहिए, लैपटॉप नहीं मिलता वो मिलना चाहिए, साइकिलें नहीं मिलती वो मिलना चाहिए। इसके अलावा मिड डे मील की जो कितनी सारी जो पैसे सरकार खर्च करते हैं सरकारी स्कूलों में, वो प्राइवेट स्कूल का अगर पर लागू कर दे तो हमारे को भी, हमारा भी सम्मान रहेगा और गरीब तच के जो बच्चे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। कुछ हमारी मांगे हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स की मांगे ये हैं कि सरकारी योजनाएँ कुछ ऐसी टीचर्स के लिए चालू करें जिससे कि जैसे पेंशन है या वो बीमा योजना है कम पैसे में 55 रुपये में, जैसे 6 लाख तक की बीमा योजना है, कुछ प्रस्ताव हमने रखे हैं सरकार के समक्ष तो उनको पूरा करें जिससे कि हमारे प्राइवेट जो अध्यापक हैं वो मन से और ज्यादा स्थायी रूप से काम कर सके। धन्यवाद। जब तक सरकार थी तूने हिंदुओं को 5 पैसे भी अलग से दिलवाए हो, हिंदू के लिए कोई योजना लाए हो, हिंदू के लिए अलग से कुछ दिया हो तो हिंदू का वोट मांगो। ना हिंदू को कुछ देते हो, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, सिर्फ वोट के वक्त हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कराकर खून की होली खेलकर और अपने वोट लेकर भाग जाना चाहते हो। विधानसभा में भाषण देने से पेट नहीं भरता, योजना बनाने से, नीतियां बनाने से, गरीब तक योजनाओं को पहुंचाने से, तुरंत घोषणा करने से काम होता है। कांग्रेस की सरकार बनी, हमने आते ही 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ कर दिए। राजस्थान में पिछली गहलोत कांग्रेस की सरकार ने 57 लाख विधवा, विकलांग और बुजुर्ग पेंशन जारी की। पहली बार हमारी सरकार बनी, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद लेने के लिए हमने बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया। इन बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बढ़ाया? अब ये विधानसभा में रोज डायलॉग बाजी करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पेट में दर्द चालू हो गया जैसे ही कांग्रेस ने काम शुरू किया, 1 रुपए किलो में अनाज, विधवा बुजुर्ग और विकलांग की पेंशन बढ़ा दी, 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ कर दिए, क्योंकि कांग्रेस को घोटाले नहीं करने। बीजेपी ने काम किया, 45,000 करोड़ का खान घोटाला, बिजली घोटाला, सड़क घोटाला, दवाई घोटाला, जलदाय विभाग घोटाला, घोटाले ही घोटाले। अभी चल रहा है किसानों के क्रेडिट कार्ड में खा गए, किसानों की लोन में खा गए,